भारत सरकार देश के आर्थिक विकास और आम आदमी के आय में बढ़ोतरी के प्रति गंभीर है। रोजगारोन्मुखी योजनाओं से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों के लिए मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना, हथकरघा व्यवसाय से जुड़े बुनकरों के आय में वृद्धि तथा गुणवत्ता परक उत्पाद तैयार करना। मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत 3 स्तरों पर कार्य किया जा रहा है, तकनीकी उन्नयन, कौशल उन्नयन और हथकरघा संवर्धन सहायता। बुनकरों का तकनीकी उन्नयन करके उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके उत्पादन प्रतिस्पर्धा कर सकें और निर्यात में इनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कौशल उन्नयन के तहत बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से 1600 लोगों को बुनाई, रंगाई और डिजाइन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद बुनकरों के कार्यों में बुनाई से लेकर रंगाई तक गुणवत्तापूर्ण सुधार देखने को मिल रहा है। प्रशिक्षित डिजाइनर नई नई आकर्षक डिजाइनें बना रहे हैं। डिजाइन के विकास और इसके विपणन के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की गई है, जो इन डिजाइनों की मार्केटिंग करते हैं। इस योजना के तहत 1600 लोगों को बुनाई, रंगाई और डिजाइनिंग में प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही साथ इसमें डिजाइनर का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी नियुक्ति की गई है, जिसका काम न सिर्फ सैंपल और डिजाइंस को डेवलप करना, उनको विकसित करना, बल्कि उसकी मार्केटिंग भी करना है। हथकरघा संवर्धन सहायता के तहत लगभग 800 लोगों को करघा और उससे संबंधित अन्य उपकरण सरकार द्वारा 90% सब्सिडी के साथ प्रदान किया गया है। बुनकरों को इसका सिर्फ 10% भुगतान करना पड़ेगा। गरीब बुनकर सरकार की इस योजना से अपने करघे का तकनीकी रूप से उन्नयन करके अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करके अपने आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बुनकर सरकार की इस योजना से संतुष्ट हैं। बजरडीहा में रहने वाले मोहम्मद इमरान पहले बाहर जाकर मजदूरी करते थे। रोज 200 रुपए से 300 रुपए कमा लेते थे, लेकिन जब से सरकार द्वारा इन्हें करघा मिला है, ये प्रतिदिन 400 रुपए से 500 रुपए तक कमा लेते हैं। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत क्लस्टर के माध्यम से हमें खुद का करघा मिला, जिससे हमारी आमदनी का स्रोत और बढ़ा। मेरी पहले कमाई बाहर जाकर करीब 200-250 रुपए हुआ करती थी, अब घर पे 400-500 रुपए हो गई है। जहीर अनवर को भी सरकार द्वारा करघा प्रदान किया गया है। ये भी पहले दूसरे के करघे पर जाकर मजदूरी करते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं। इन्हें अब अपनी आय दोगुना होने का भरोसा है। हथकरघा बुनकर बाहर बीनते रहे, अब हमको मिला है। अब हमको मिला है तो अपना कुछ न कुछ फायदा जबड़ होगा, और धीरे धीरे करके अब जो है आगे बढ़ेंगे। सरकार का धन्यवाद करते हैं। बजरडीहा के नसीम अख्तर का ज़कात खराब हो गया था, काम बंद हो गया था, लेकिन योजना के तहत इन्हें ज़कात मिल गया। अब ये फिर से अपना कार्य सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। मुझे भारत सरकार के द्वारा ज़कात दिया गया, जिससे हम अपना काम फिर से दोबारा शुरू कर पाए। खराब होने की वजह से मेरा बहुत दिन से कारखाना बंद था, अब मैं फिर से बुनाई कर पा रहा हूँ। वसीम अकरम पहले नौकरी करते थे, इनको भी सरकार द्वारा करघा प्रदान किया गया। ये इस बात से खुश हैं कि अब अपने परिवारजनों के साथ रहकर अपने ही घर में अपने हथकरघे पर काम करके आय प्राप्त कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले मुझे भारत सरकार की तरफ से क्लस्टर योजना के तहत करघा दिया गया है, और मैं करघे को घर पे लगाऊंगा। यहाँ पे 150-200 रुपए की मजदूरी करता हूँ। करघा घर पे लगाने के बाद मैं 300-350 रुपए कमा पाऊंगा और अपने फैमिली में रह पाऊंगा। करघा वितरण और तकनीकी उन्नयन के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है, बुनकरों की आय बढ़ी है। मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत बुनकरों को 45 दिन का बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से नामित ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर इन बुनकरों को प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान बुनकरों को 210 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। बुनकर वालों को जो यहाँ पे 45 दिन में ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको 200 रुपया रोज दिया जाता है सरकार की तरफ से, कि उनके घर के भाई जो भी है उनकी खर्च है वो अपना मेंटेन कर सके। बजरडीहा के मोहम्मद स्वालिह अंसारी के बेटे जुल्फीकार आलम को इस योजना के तहत 45 दिन प्रशिक्षण मिला। इनके खाते में भी सरकार द्वारा 9,450 रुपया हस्तांतरित किया जा चुका है। इन्हें योजना के अंतर्गत हथकरघा भी प्राप्त हो चुका है। अब ये अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही घर में बुनाई का काम कर रहे हैं। मेगा हैंडलूम क्लस्टर के तहत हमारे लड़के जुल्फिकार आलम को हैंडलूम करघा मिला, जो उन लोगों ने ट्रेनिंग भी लिया था, जिसमें 200 रुपये प्रतिदिन 45 दिन का ट्रेनिंग 9,450 रुपये के खाते में आया था। और सीखने के बाद एक करघा मिला और उसमें एक करघा मिला तो हम लोग उससे काम भी करते हैं, हम भी स्वयं काम करते हैं। और मैं सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो स्कीम बजरडीहा में उन्होंने लागू किया, ये स्कीम पहली बार बजरडीहा में आई और मैं बहुत दिल से उनके लिए शुक्रिया दे रहा हूँ भारत सरकार को। रामनगर में रहने वाले वकार अंसारी ने रंगाई का प्रशिक्षण लिया है। 15 दिन के इस प्रशिक्षण के बाद इन्हें भी 210 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3,150 रुपया मिला। ये पहले से ही रंगाई का काम करते थे, लेकिन प्रशिक्षण से इनको नया तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे ये अब गुणवत्तापूर्ण रंगाई का कार्य कर सकेंगे। क्लस्टर योजना के अंतर्गत 15 दिन का रंगाई प्रशिक्षण लिया है, जिसका एक दिन का स्टाइपेंड 210 रुपये के हिसाब से 15 दिन का हमारे खाते में 3150 रुपये प्राप्त हुए हैं। हम रंगाई का काम पहले से करते थे और ट्रेनिंग लेने से हमको और टेक्निकल नॉलेज प्राप्त हुआ, जिससे हमको अपना काम बढ़ाने में और अच्छा क्वालिटी करने में आसानी प्राप्त हुई। गोलाघाट रामनगर की रूबीना शाहिद ने डिजाइन बनाने का प्रशिक्षण लिया। 15 दिन के प्रशिक्षण के दौरान इन्हें भी 210 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार द्वारा प्रदान किया गया। रूबीना शाहीन डिजाइन के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। मुझे इस सीख के कुछ आगे सीखने की उम्मीद हुई है और मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर इसी में बने और मैं कुछ सीखूं। रामनगर की ही सरोज मौर्या ने भी इस योजना के तहत डिजाइन बनाने का प्रशिक्षण लिया। सरोज मौर्या भी डिजाइन के क्षेत्र में अपना कैरियर बढ़ाना चाहती हैं। मैंने 15 दिन का ट्रेनिंग किया था डिजाइनिंग का और 210 रुपए प्रतिदिन मिलता था और इसमें आगे सीखकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना से बुनकरों के आय में वृद्धि हुई है, उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार देखने को मिला है।